क्या हुआ? ये देखो ये इसके अंदर है ना, बंद किया जाए तो मैं देख लीजिए तुम्हारे हाथ में। वही आपके हाथ में कैसे आ गया? तो भाई हम लोग आए हुए हैं पार्लर, तो यहाँ पे लाइट का कुछ इशू है जी। आज जो है ना इनका बिल्कुल सादा सा खाना है, और ये रहे वो चनाब। दवाई नहीं लेनी? ले लूँगा, क्या कब? जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जब उठा नहीं जाएगा तब। आपको बच्चों की फिक्र नहीं है? फिक्र तो फिर दवाई लेने चले जी। हाँ नहीं है फिक्र इसको जी, बताएं दवाई लेने चलेंगे सुबह या नहीं? जिद है तो कल मैं भी घर छोड़कर चली जाऊँ। चली जाओ। अच्छा आपको क्या लगा था आज इनके साथ सीन हुआ? मैं गई थी पार्लर तो वहाँ पे रास्ता देर होगी और ये पीछे आ गई सड़क में चलते चलते। इन्होंने कहा लड़ रही थी दवाई लेने के लिए, मैंने कहा दवाई ले चलो मैं चली जाऊँ, तो मैं चली गई। उनको लगा कि चली गई। वहाँ पे आके पूछते अंदर फातिमा बैठी है, तो अंदर से मैं उनको कहती कि मेरा नाम फातिमा नहीं है, तो फिर ऐसे वापस आ जाते। अच्छी बात है सुबह चले दवाई ले, जिद छोड़ दे। एक दफ़ा चेक करवा लेते ना, डर किस बात का? ले लूँगा मैं दवाई, मेरे मरने के बाद लेना, ठीक है? कोई नहीं, मैं मर ही जाऊंगी, शर्त लिख ले, लिख लो आज। तो चलें जी, सुमेरा भी मेरे साथ खाना खाने वाली थी लेकिन उसने भी मना कर दिया क्योंकि बाबा भाई उसके लिए लेके आए बर्गर, और मेरे हस्बैंड ने पहले खा लिया रही सही। मैं तो मैं अपना खाना लेके जा रही हूँ, बस खाती हूँ और फिर दुआ को भी सुलाती हूँ। और मैं भी क्योंकि फिर सुबह जो है ना फजर के टाइम उठती हूँ, फिर मैं नहीं सोती बच्चों को भेज के, फिर एक दफ़ा 8 बजे ही सोती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है ना हमारी रात की चाय है, मतलब कहवत का टाइम है क्योंकि आजकल मैं भी साथ साथ सुमेरा के ले रही हूँ, क्योंकि अस्थमा जो है ना इसकी वजह से फिर कम ही होता है। एक दफ़ा ही जो है ना ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, वरना तो थोड़ा जैसे सो 3 से 4 दफ़ा लगा लेते थे जी मम्मा। तो यहाँ पे मीर साहब आया हुआ और मम्मा मम्मा मम्मा। तो चलें जी काम स्टार्ट करते हैं। मैंने भी आटा गूंदा, चाय चढ़ाई है, तब तक ये जो सोफ़ा है ना इसको सेट कर लूँ, क्योंकि इसको सारा दिन सेट करते रहो फिर वही इसकी हालत हो जाती है। तो बस इसको सेट करते हैं और उसके बाद किचन में जाते हैं, खाना वाना बनाते हैं। अभी इन वाले चीज़ों को जो है ना थोड़ी सी देर के लिए विंडो में इनका पिंजरा रख दिया ताकि बाहर की भी हवा लगती रहे और यहाँ की भी सफाई कर ले, मैंने ये कर लिया। बाकी जो है ना मैं जाती हूँ किचन में, मेरी चाय होगी होगी, खाना बनाते और उसके बाद जो है ना फिर कोई वीडियो शीडियो शूट करेंगे। कोई क्लिप आ गई हाथ तो वह ये किसकी कॉपी लेके घूम रहे हो? मीर मीर नो नो नो। यहाँ पर जो है ना मेरी चाय तैयार हो चुकी है, जो बोल रही है कि पी लो वरना मैं ठंडी हो जाऊँगी। तो मैं बोल रही बहन ठंडी हो जा, हम बाद में तुझे गर्म कर लेंगे, क्योंकि अभी रोटी बना रही हूँ, खाना खाने के बाद जो है ना फिर चाय लेंगे। यहाँ पे भाई अब फाइनली हमारा नाश्ता आ चुका है और हमारे साथ ये दो लोग भी आ चुके हैं। क्या चाहिए? पानी, पानी चाहिए। खाना खाओगी? दुआ इधर देखो, खाना खाओगी जी? पानी, बस इसे पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी। नहीं तो भाई यहाँ पे जो है ना सुमेरा ने अपने रूम की सफाई कर ली थी और मैं बैठी हूँ चाय का इंतज़ार कर रहे। सुमेरा गई है चाय गर्म करने, जैसे आती है चाय पीते हैं फिर जाते हैं। आ गई मेरी चाय, ये देखिए चाय आ चुकी। बस चाय पीते हैं और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग घर के काम करेंगे बाकी के। क्या हुआ? हुआ क्या हुआ? अई कुछ नहीं है, बस अब ड्रामेबाज ड्रामे बॉस पापा। तो गाइस अभी हम कर रहे थे कस्टम, कैसे हम था हार के मजा आया? हार बहुत गंदा वाला यार, मैं एंट्रेंस से माला था, जे ज्यादा गोलियो वाली गन से माला था मैंने। गाइस मारा एम्पी5 से, इसने मारा एम10 से, ये हार गया। सबका बाप एम10 है। अरे ए डब्ल्यू मैं इतनी अच्छी चलाता हूँ ना, तुमने तो अच्छी करता हो। तो जी अभी हम कर रहे थे कस्टम और ये भी कर रहा था कस्टम, इसके पास आईपैड, मेरे पास है मोबाइल और उधर आ गया तो है नहीं, यहाँ पे हमारा कस्टम हो रहा है। किधर गए हो भैया? जल्दी हो, मैं आपको बुला रहा हूँ। ये आ जा आइए रुको भैया। आइए आ गया। तो गाइस अभी आया हमजा और अभी हम कर रहे हैं कस्टमर।
अरे मोबाइल तो सही से दिखाओ। ओ भाई मजा आएगा हारने में। आप आलोगे और मुझे बोलो। तो गाइस अपनी भाई बच बोलो। तो गाइस अभी मैंने राउंड स्टार्ट कर दिया, तो बाद में आपको दिखाते हैं कौन जीता। चला गया वापसी से और मेरा अभी स्टार्ट हो गया, तो चलो हम गन लेते हैं। ओ भाई ये देखो ये क्या हो गया। तो गाइस अभी मैं बनाऊंगा दूसरा कस्टम जिसमें हमजा खेल सके। हमजा की आईपैड की थोड़ी मेमोरी कम है इसलिए वो ये वाला नहीं खेल सकता, तो हम दूसरा कस्टम लगा। इसी तरह मैं 28 की एचपी में जीत चुका हूँ और अभी आया है हमारा दूसरा राउंड। मैंने लिया अभी AK-47, तो अभी मैं इसको मारता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अभी आप बच्चों को बाहर भेजे और फाइनली जो है ना मैं अपने रूम की सफाई करूँगी और फिर पोछा लगा कर उसके बाद हो जाऊँगी फ्री। 3 बज चुके हैं। तो जी मेरे जो हस्बैंड साहब है ना, कल मैंने कहा हॉस्पिटल चले नहीं गए, तो मैंने आयरन, वैसे इतनी गर्म नहीं थी, मुझे लगा ठंडी है, लेकिन जब मैंने लगाई तो इतनी गर्म थी। और अब जो है ना मैं ज़ख़म देख रही हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मेरी वजह से उनको ज़ख्म मिल गया। लेकिन मैं भी क्या करूँ, ये जितनी ज़िद करते हैं हॉस्पिटल नहीं जाते, मैं फिर घर छोड़ के आज चली जाऊँगी। तो मैं आज घर छोड़ के जा रही हूँ। हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना, जाना है नहीं जाना। हैंड फ्री एक साइड से लगी, दूसरी साइड से नहीं लगी। दूसरी साइड से है। हेलो जान पूछ के हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना, कह रहे नहीं जाना। मैं घर छोड़ कर चली जाऊँ। मैं चली जाऊंगा, कह रहे हैं घर छोड़ के चली। तो मैं बस आज मैं घर छोड़ के फाइनली गाइस चली जाऊंगी। ये है वो शख्स जो मेरी बात नहीं मानता और मुझे कहता है तुम चली जाओ। तो भी जो कल से गुड न्यूज़ चल रही थी वो जो है ना, तो जी वो जो फाइनली गुड न्यूज़ थी वो मेरी थी। तो अल्लाह पाक ने करम किया है, हमारे यहाँ फिर से गुड न्यूज़ है जो कि मैंने अभी तक इनको भी नहीं बताई। और ये मोबाइल में जो है ना हैंड फ्री लगा के मेरे ख्याल में कोई रिएक्शन ही सुन रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो जी फाइनली जो गुड न्यूज़ है वो यही थी। आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारे घर जो है ना गुड न्यूज़ अच्छे से और खैर व खैरियत से और आफियत से आए, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी मसला मसाइल ना हो। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन। अच्छा अभी वो तो एक दिलवर के साथ मैं प्रैंक कर रही थी, लेकिन जिसका भी अल्हम्दुलिल्लाह से, बस आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारी फैमिली में से और उनका जो है ना फर्स्ट बेबी है, तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक खैर व खैरियत से उनके घर ये बेबी लेके आए और बहुत सारी खुशियों के साथ है। अपनी दुआ में हमेशा हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। जी आपा क्या हुआ, दूध चाहिए? मैं अच्छा जाके अब उसे मारती हूँ। मेरे बेटे को मार दिया। स्कूल का दिन कैसा था? अच्छा था। कपड़े अच्छे लग रहे हैं? मुझे तो ये कुर्ता बहुत अच्छा लगता है।